बात करेंगे चुनावी दंगल की, क्योंकि चौथे दौर का मतदान 10 अप्रैल को होना है। इस बीच तमाम पार्टियां रैलियों के जरिए, रोड शो के जरिए अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हैं। जेपी नड्डा की आज अलीपुर द्वार और दिनहट्टा में अहम रैलियां होनी है। वहीं ममता बनर्जी आज हुगली, हावड़ा और साथ ही दक्षिण 24 परगना में रैली करने वाली है। बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पायल सरकार भी स्टार प्रचारक हैं, वो भी अपनी किस्मत इस चौथे दौर के मतदान में आजमाने वाली हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार चौथे दौर के मतदान के लिए कितनी वोटिंग होती है, कितना वोटर टर्नआउट होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बंगाल के चुनाव युद्ध के चौथे चरण के लिए जोर लगाने का आज आखिरी दिन है। 10 अप्रैल को होने वाले 44 सीटों के मतदान का प्रचार आज शाम खत्म हो जाएगा। ये 44 सीटें बंगाल के 5 जिलों में पड़ती हैं: कूच बिहार, अलीपुर द्वार, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली। 2016 के विधानसभा चुनाव में इन 44 सीटों में टीएमसी की क्लीन स्वीप थी। 2016 में टीएमसी को 44 में से 39, सीपीएम को 2, जबकि बीजेपी, कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक को एक एक सीटें मिली थी। लेकिन 2019 में पासा पलट गया। 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी की बढ़त 25 विधानसभा सेगमेंट तक सिमट गई थी, जबकि बीजेपी 19 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थी। इसीलिए अब 44 सीटों के लिए संग्राम आर पार का है। प्रचार के आखिरी दिन एक ओर जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिले चुनाव आयोग के नोटिस पर हंगामा बढ़ना तय है, तो दूसरी ओर टीएमसी इस बात को जोर शोर से उठा रही है कि 1 अप्रैल को दक्षिण 24 परगना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए 1,000 रुपए के कूपन बांटे गए। हालांकि बीजेपी ने इसे टीएमसी की प्लांटेड साजिश कहा है। ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজেপির লোকেরা কুপন বিলি করেছে, যে কুপনে প্রধানমন্ত্রীর ছবি আছে, তার জনসভার কথা বলা আছে এবং 1,000 টাকা অঙ্ক উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আমরা দলীয় সূত্রে খোঁজ নিয়ে জেনেছি এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমেও তার বিস্তারিত বিবরণ বেরিয়েছে। তাতে জানা যাচ্ছে যে যারা মোদীর জনসভায় যাবেন এবং বিজেপিকে ভোট দেবেন, তারা এই কুপন বিজেপির প্রার্থীর কাছে জমা দিলে 1,000 টাকা নগদ পাবেন। प्रधानमंत्री ने खुद अपनी रैली में कहा ही कि भाई ये आप पर आरोप लग रहा है कि आप पैसे लेकर यहाँ आए हो। जनता बहुत गुस्से में थी, ये जनता का आपने अपमान किया है। और जहाँ तक कूपन की बात है, बहुत सारे कंसल्टेंट आए हैं तृणमूल कांग्रेस के पास, किसने क्यों मैन्युफैक्चर किया है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। चौथे चरण के प्रचार के खत्म होने से पहले बीजेपी और टीएमसी में ममता बनर्जी के उस बयान को लेकर भी घमासान हो रहा है, जिसमें आरोपों के मुताबिक ममता ने महिलाओं से अर्धसैनिक बलों का घेराव करने को कहा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से ममता के प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। इस बीच आयोग ने खुद कूच बिहार में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमले के मामले में 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब कर ली है। कोलकाता से प्रेमा राजाराम और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।